नमस्कार। जितने भी है हिंदुस्तान के मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, कल की जो रैली है चलो ईदगाह मिरालम से शास्त्रीपुरम तक, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो हुकूमत, जो बीजेपी, जो आरएसएस और बजरंग दल वाले ऐसा बना रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाना सोच रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, ये बीजेपी आरएसएस वालों को हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले आपके माँ बाप के नाम बदलने के बाद में हिंदू राष्ट्र बनाने के वास्ते सोच लो। और एक कल बाबा साहेब अम्बेडकर भी बोले थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हिंदू मुस्लिम और सिख साहब पूरे एक सेकुलरिज्म से रहना बोल के। इसलिए कल का जो रैली है, एक तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर है और दूसरी तरफ मेरा नकीबे मिलत बारिश असुद्दीन ओवैसी साहब है। और मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस वाले बजरंग दल वालों को, ये जो आप लोग जो ये मुद्दा लेके आए एनआरसी और सीएई और ये जो सीएबीबी जो भी है, ये आप लोग जल्द से जल्द इसको पीछे ले लेना। अगर नहीं लिए, हम दलित भाई और एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज मेरे मुसलमान भाइया मिलके आप लोगों को हिंदुस्तान में भी नहीं रहने देंगे। और ये हिंदुस्तान तुम्हारा बाप का नहीं होता, हिंदुस्तान हमारा है। एक तरफ मेरा मुसलमान भाइयों का आंख है, एक तरफ मेरा दलित भाइयों का आंख है। अगर ये दोनों भाइया एक तरफ जुड़ के है समझो, एक बार ऐसा दिखेगा कि हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस वाले नहीं दिखेंगे। और मैं आपसे एक ही अपील करता हूँ, कल अपन लोग आप लोग नमाज पढ़ के वहां पर अपना मिरालम ईद का करने से अपन की बड़ी रैली निकलता है। और मैं पूर्ण से आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ मेरे दलित भाइयों से और मेरे मुसलमान भाइयों से और मेरे एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज भाइयों से, कल बड़े रैली निकाल कर ऐसा दिखना है कि हिंदुस्तान के वहाँ जो मोदी बैठा, मोदी को दिखना है कि हैदराबाद का इतनी आवाम इतना एगेनेस्ट है कि ये एनआरसी और ये सीएए बिल का। तो मैं आपसे और एक बार अदबन गुजारिश करता हूँ, कल दोपहर में अपन वहां से बड़ी रैली पे निकलेंगे। और ऐसा वो जो केंद्र प्रभुत्व में सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको दिखना है कि हैदराबाद में इतनी बड़ी है बोल के। शुक्रिया। जय भीम, जय एमआईएम।